हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। एंड आपको ये वीडियो में स्काउट भाई का ओपी 1v3 देखने को मिलने वाला है और टीम एक्स पाक का कुछ अच्छे फाइट आपको स्क्रिम्स के देखने को मिलने वाले हैं। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। आपको नजर आने वाले टीम एक्स स्पार्क की अगर बात करें वो काफी क्लोज रहने वाले हैं। यहाँ पर ब्लाइंड ऑफिशियल्स की तरफ से दो खिलाड़ी यहाँ पर स्काउट नागाशिनो को यहाँ पर डाउन करते हुए नजर आ चुके हैं। ओपनिंग स्काउट ने यहाँ पर दिला दी है बट डार्क लॉर्ड विद ग्रेनेड ऑफ चीकू वो डाउन है। चलिए डार्क लॉर्ड चीकू काफी ज्यादा ओपन में स्पॉट कर चुके हैं। स्काउट स्पेस देते हुए नजर आ रहे बट कनेक्शन फिलहाल के मिला नहीं है। क्लॉम भी मौजूद है। SLR का यहाँ पर शो नजर आने वाला है स्पॉट करने की कोशिश, कुछ बुलेट कनेक्शन की कोशिश करते हुए नजर आ रहे चीकू के अगेंस्ट में। अगर चीकू का नॉक निकल गया तो ब्लाइंड के लिए काफी काम आसान हो सकता था, ब्लाइंड के अगेंस्ट में काफी काम आसान हो सकता था बट ब्लाइंड यहां पर फिलहाल के लिए अगर बात करें सारंग को डाउन करते हुए चीकू नजर आ जाएंगे। अब पूरा दामोदार यहां पर बढ़ता हुआ स्काउट के ऊपर नजर आएगा एंड क्लाउन गेमिंग क्या एक अच्छा एंगल निकाल सकते हैं फिलहाल के लिए। इनका एंगल मुझे लगता है लियो के अगेंस्ट निकल सकता है। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्लाउन, आपको पूरी तरीके से लियो स्पॉट हो सकते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड आपको देखने की जरूरत है जहां तक मुझे लगता है कि काफी अच्छे तरीके से स्पॉट किया जा सकता है। बट अभी के लिए बात करें चीकू के ऊपर, चलिए लियो के ऊपर स्प्रे देते हुए नजर आ रहे क्लच गॉड एक ऑफ एंगल से आते हुए नजर आ जाएंगे। चीकू को टेक डाउन कर दिया गया है एंड इस बीच क्लच गॉड यहां पर पूरा अपना नाम पूरा अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं एंड फिनिशेस लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं ब्लाइंड के अगेंस्ट में। बट बेहतरीन यहाँ पे प्रयास किया गया है टीम एक्स स्पार्क की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फिनिशेस का। बट डार्क लॉर्ड का एलिमिनेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर सोचने लायक की बात है। सारंग को यहाँ पर ओपनिंग मिल चुकी है बट सारंग का भी एलिमिनेशन जैसे ही रिवाइवल प्रोसेस किया वैसे ही वहां पर एक कनेक्शन आया, कनेक्शन क्लच गॉड के एरिया से आया, डाउन करता हुआ एलिमिनेट करता हुआ वहां पर नजर आया। बट इस बीच ब्लाइंड लियो फिर से 17 का डैमेज यहाँ पर क्लच गॉड की तरफ से पड़ रहा है एंड क्लच गॉड कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देते हुए नजर आ रहे ब्लाइंड ऑफिशियल्स को। वो एंगल हर एक एंगल से कवर बनाने की ब्लाइंड के खिलाड़ी करते हुए नजर आ रहे बट कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब स्प्रेस देते हुए नजर आ रहे काफी कम एचपी पे दोनों ही खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बुलेट का कनेक्शन चाहिए, कुछ ही बुलेट का कनेक्शन चाहिए, वो मिल गया क्लच गॉड को। चीकू को यहां पर डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे। इस बीच अगर बात करें बेल्टो डार्क लॉर्ड इंसेन के साथ फाइट होती हुई आरआईपी की नजर आएगी। इस बीच एलिमिनेशन नजर आ जाएगा, ब्लाइंड ऑफिशियल्स एलिमिनेट होती नजर आ जाएगी। स्काउट लियो का फिनिश लेते हुए नजर आएंगे एंड एक फिनिश क्लच गॉड के पास जाता हुआ नजर आएगा विद द 6 नंबर्स ऑफ फिनिश। क्लच गॉड आज के दिन में क्या बेहतरीन लॉबी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बेहतरीन तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। बट डाउन जरूर किया है बट अभी के लिए सिक्योर करते हुए नजर नहीं आएंगे। एक अच्छा कवर है जहां पर डाउन हुए, कल के दिन के मिरामर मुकाबले में भी हमें क्लैश देखने को मिला था। स्काउट आपको संभालना पड़ेगा, इस पानी को डाउन करते हुए नजर आएंगे बट एक और खिलाड़ी आ रहा है, स्काउट एक और खिलाड़ी आ रहा है। उन्हीं स्पेस में अगर आप ले लेते तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलता। बट चलिए बैकअप यहां पर आ चुका है, यहां पर यूनिकॉर्न स्टॉक जैक्सन गेस भी बहुत ज्यादा लोग। सारंग के पास एक अच्छा एरिया, मुझे लगता है सारंग यहां से कवर दे सकते हैं बट नहीं, मैं गलत था, सारंग के पास वो एरिया नहीं है। सारंग यहां पर ऑलरेडी फाइट में एंगेज होते हुए पॉइंट के साथ नजर आएंगे। एक अच्छा 1v1 ड्रॉप शॉट आया, टेक डाउन किया हाइड्रा जैक्सन। आई थिंक ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम द टीम अवी एंड अब सिचुएशन 1v4 की यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, एक 1v4 की सिचुएशन यहां पर बनती हुई नजर आएगी। प्रॉब्लम यहां पर पूरी तरीके से नजर आ रहा है, दिक्कत यहां पर नजर आ रही है बट कल के दिन में भी वो देखने को मिला था। एक अच्छी फाइट यहां पर जीत रही थी टीम एक्स स्पार्क बट कहीं ना कहीं लूज करते हुए नजर आए। वो जो पेशेंस था वो वहां पर लूज किया जिसकी वजह से फाइट को लूज किया था बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी कई प्लेयर्स निकालते हुए जीतते हुए नजर आ रहे बट ये 1v4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जितना टीम एक्स पास के लिए इंपॉर्टेंट है ना उतना ही मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट जैक्सन के लिए भी रहने वाला है। बट चलिए TSM यहाँ पर आ चुकी है, TSM को यहाँ पर स्पॉट कर चुके हैं, पता चल चुका है खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है एंड अब यहाँ पर सिचुएशन कितनी बेहतर बनती हुई नजर आएगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TSM को स्पॉट कर लिया, स्काउट ऑलरेडी स्प्रेस देते हुए नजर आ रहे हैं एंड देखते हैं